दायित्व भी है जनता के अंदर, एक तरफा बात नहीं जानी चाहिए, जनता के सामने सत्य जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ए एक्ट से गांधी परिवार के सदस्यों की एक भी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है, पुराने एक्ट से उनकी सिक्योरिटी बदली गई है। ये भी भ्रांति है, इनको सिक्योरिटी बगैर वैसे ही छोड़ दिया गया है। देश में प्रधानमंत्री के अलावे जो सिक्योरिटी उपलब्ध है वो हाईएस्ट सिक्योरिटी तीनों जेड प्लस विद एएसएल एंड एम्बुलेंस पूरी कंट्री में वो तीनों सदस्यों को दिया गया है मान्यवर। मगर प्रधानमंत्री के लिए जो विशेष कार्यबल बना है वही सिक्योरिटी मुझे चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है मान्यवर कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एक पद के लिए, एक ऑफिस के लिए, और उनके कम्युनिकेशन, उनका आरोग्य और उनके निवास पर जो ऑफिस होता है इसकी सुरक्षा के लिए है, वो देश के हित में है क्योंकि वो हमारे कार्याध्यक्ष है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है। तो मुझे लगता है इसमें अब शायद कांग्रेस समर्थन करे और सब लोग इसके समर्थन में अपना मत व्यक्त कर इस बिल को पारित करे, यही निवेदन कर मैं मेरी बात कहूँ। अधीर रंजन जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए जितना भी कदम लिया जाए हम सब उस पर जरूर समर्थन करें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी जो भाषण में स्पष्ट हो गए हैं कि एक राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की आग के मंजर हम लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं आप तो ये लोग बिल के अंदर कोई विशेष हो तो सर मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने का नहीं है, बोलने का तो आपका नंबर नहीं, नहीं, सर प्लीज सदस्यों ने ले लिया। प्लीज मेरा ऑब्जेक्शन है इसमें बिल की कोई धारा पर आपत्ति हो या स्पष्टता हो तो मांग सकते हैं, मेरे जवाब के बाद पॉलिटिकल आंसर नहीं हो सकता, वरना तो ये बाद में मुझे भी देना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा ये बिल, ये मैं सदन की परंपरा बता रहा हूँ मान्य। अधीर रंजन जी साहब परिवार को प्रशंसा कर रहे हैं, परिवार हिंदुस्तान के लिए दोनों जान गवाए हैं, उन परिवार को लंचन कर रहे हैं आप। ये कोई जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। सौगत राय जी संसद संख्या 102। सर मैं तो भाषण दिया नहीं, मेरा एक मिनट का क्लारिफिकेशन चाहिए दो क्लॉज के बारे में, आप एक सेकंड समय दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि